विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में भाजपा प्रत्याशी रीता धीमान ने गांव चन्नौर से इंदौरा बस स्टैंड तक पैदल रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें रीता धीमान के साथ सैकड़ों समर्थकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रीता के काफिले में महिलाओं ने भी भारी तादाद में भाग लिया। इस दौरान रीता के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस काफिले में विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के वन मंत्री लाल सिंह विशेष रूप पर उपस्थित रहे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही देश को चलाने में सक्षम है। रीता धीमान ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि केंद्र के बाद अब हिमाचल की बारी है। प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है और इंदौरा से भी अब भाजपा की जीत होगी। तो हमारे इस इंदौरा के इतिहास को बदल देगा, भविष्य को बदल देगा, यही मैं आपसे अपील करती हूँ। 5 साल से आप लगातार मेरे साथ काम कर रहे हो और पार्टी ने बहुत ज्यादा हमसे इस बार काम करवाया है। सबसे क्यों करवाया है? क्योंकि हमने इस इतिहास को, इंदौरा के इतिहास को बदलना है। मैंने भी आपके साथ बहुत काम किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। कभी मैंने धूप नहीं देखी, कभी मैंने बारिश नहीं देखी। लगातार हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।